ओए गुस्से हो रहा है भाई, ओए गुस्से हो रहा है भाई। कितना प्यारा है यार। कि हमारे डॉगी ने जो है बहुत सारे बच्चे दिए। हो गया, फीमेल है ये भी। तो ये बहुत, भाई ये बहुत खतरनाक है, इससे बचना। ये बहुत एग्रेसिव डॉग है हमारा। तो आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ इनके लिए। देखें, ये इतना बड़ा एरिया है। कह रहे भाई स्विमिंग करके ये बाहर आया, ये पानी। चल देखें, बकरियों के लिए एरिया बन गया पूरा, और ये आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और ये देखें जरा, रकून के केज के अंदर जो है वो खाना पानी डल रहा है, फ्रूट वगैरह डल रहा है, पानी डल रहा है। अब्दुल्ला भाई जो इतनी गर्मी में भी काम कर रहे हैं। बाकी भाई हमारे साथ गणेश सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? खैरियत? बस बस, अल्लाह पाक का करम है। अब देखें ये रकून की हरकतें, ये नीचे से बनाना इसने उठाया और फौरन से टनल के अंदर ले गया, रह गया। और इस वक्त ये अंदर सो रहा है, वो देखें हमें देख रहा है। ये देखें, आपको बहुत मुश्किल से नज़र आएगा क्योंकि टनल के अंदर बहुत अंधेरा है, तो ये बिल्कुल भी अभी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये दोस्तों, हम जब जाते हैं तब ये बाहर आता है। बख्श भाई, आपको देख के चिल्ला रहे हैं यार। ये चिल्ला रहे, मुझे नहीं देख के चिल्ला रहे, ये खाने को देख के चिल्ला रहे भाई। भाई केले और फ्रूट मांगन। ओए गुस्से हो रहा है भाई, ओए गुस्से हो रहा है भाई, मार रहे हैं, मोबाइल छीन लेंगे ये। ये देखें भाई, मेरे से तो उनकी दुश्मनी आपको पता ही है। बख्श भाई के ऊपर लास्ट टाइम इन्होंने सुसु कर दिया था, आपको याद ही होगा हमारा वो व्लॉग। बंदरों ने जो है बख्श भाई के ऊपर जो है सुसु कर दिया था। तो ये ढोलू और भोलू हमारे नाजिश और जहांगीर के ऊपर जो नाम रखा है हमने। हाँ यार, बस एक बात बताऊँ मैं। हाँ, मुस्कुराने वाली बात है कि नाजिश का बेटा जो है ना, वो वीडियो देख रहा था। हाँ, तैयब नाम है भाई उसका। तैयब जो है ना, भागते वो गया अपने अब्बा के पास। अब्बा अब्बा अब्बा, ये सीन देखो, उसके अब्बा देखते जो है ना, बड़े मुस्कुराए कि ये मेरे बेटे। अच्छा, बेटे ने फिर जो है ना, तैयब ने जो है अपने अब्बू को बताया कि भाई जिमी भाई ने जो है वो बंदरों के नाम आप दोनों के नाम पे रखे। पूरी फैमिली ने बोला बिल्कुल सही रखा है, बात तो सही है। तो ये हाल है भाई, ये देखें भाई। चलो भाई, तो उसको खाना वाना दे दे। अच्छा जी, तो भाई सीन ये, बख्श भाई कहाँ जा रहे हैं? हाथ धो के आ रहे हैं। आ जाए जल्दी आ जाए। तो भाई सीन आज कुछ ऐसा है कि आपको पता है कि हमारे डॉगी ने जो है बहुत सारे बच्चे दिए थे। पहले एक डॉगी ने दिए, गोल्डन रिट्रीवर ने, फिर लैब्राडोर ने भी दिए। तो हमारे पास बहुत सारे डॉग्स के पपीज हो गए, और वो और हमने जो है ना देने हैं। इस टाइम हम वैक्सीन करने के बाद जो है ना उनको सेल करेंगे, और जिनको अगर चाहिए हो तो वो हमें कम। भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो हम बिल्कुल इसकी पोस्ट भी लगाएंगे। और अभी सीन ये है कि भाई आपको तो बताइए कि डॉग्स के साथ मेरी कुछ ज़्यादा बनती नहीं है। जब भी मैं डॉग्स के पास जाता हूँ वो मुझे काटने और मारने को दौड़ते हैं। लेकिन आज आपके भाई ने फैसला किया है कि आज जो पपीज जिस डॉग ने दिए, उनके पपीज को आज हम उठाएंगे, उनके साथ तस्वीरें लेंगे, पूरा व्लॉग बनाएंगे हम पपीज के ऊपर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई चलते हैं हमारे डॉग्स वाले एरिया की तरफ। वो पहले ही मुझे देखते ही भौंकना शुरू हो जाते हैं यार, वो असल में समझ जाते हैं। घोड़ों की तरफ, बकरियों की। अच्छा, बनवाए पिंजरे बन रहे हैं हमारे। ये देखें भाई, तो उन्होंने देख कर हमें भौंकना शुरू कर दिया है। और डॉक्टर साहब कहाँ हैं यार? डॉक्टर साहब को बुलाओ भाई, डॉक्टर साहब के बगैर ये काम अधूरा है। और ये हम आ गए डॉग्स वाले एरिया की तरफ, अब ये भौकम भौकी शुरू कर देंगे। वो ये देखें, तो मैं आपको आज डॉग्स का भी दिखाता हूँ। ये देखें हमारे पास कितने डॉग्स हैं। बस। और सबसे खतरनाक जो है ना वो यहाँ पर है, सबसे खतरनाक। ये देखिए, ये तो मुझे मारने का है। अरे डॉक्टर साहब पहले से ही अंदर है, मैं आ जाऊं? वालेकुम सलाम, मैं आ जाऊं अंदर? ये मारेगी तो नहीं यार? पहली मेरे से इनके दोस्ती करा दो, कभी मैं गया नहीं हूँ। तो भाई मैं कभी भी इस केज के अंदर नहीं गया हूँ, आज मेरा फर्स्ट टाइम है। बहुत जोर से बोलना पड़ रहा है क्योंकि डॉग्स बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं। तो पहले जरा इसके साथ दोस्ती कर लेते हैं। आ जाओ, दोस्ती कर ली, कुछ करेगी तो नहीं पक्का? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो भाइयों, पहली दफा मैं डॉग्स के केज के अंदर जा रहा हूँ,
ठीक है, ये जो है वो मुझे काटते हैं, लेकिन आज पता नहीं बच्चों के साथ है। अरे वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए होए ओए होए ओए होए, उड़ गई भाई। अच्छा तो ये ओए 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 ओए, काटेगी तो नहीं डॉक्टर साहब? नहीं नहीं सर, अभी मेरे ऊपर आई थी ये। सर खेलने के तो आएगी ना सर, ये बहुत। ये देखें, ये देखें, देख रहे हैं, देखिए इनके बच्चे, देखिए माशाल्लाह। ये देखिए, अरे कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये आपने देखा था, ये व्हाइट कलर का पैदा हुआ था, बाकी सारे बच्चे जो ब्लैक कलर के हुए थे, लेकिन एक बच्चा ऐसा था दोस्तों जो कि व्हाइट कलर का पैदा हुआ था, वो ये वाला, ये देखें। और ये देखें, ये बच्चे जो है उनको दूध भी पीना है। क्या क्या है इनके साथ खेलने में? बड़ा मजा। आपको डॉग्स पसंद है? बहुत सर। तो ये देखें दोस्तों, कितने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट पपीज हमारे पास आ गए हैं, और ये बार बार हमारे पास आ रही है। सर आप सतेज होने की कोशिश कर रही है, आप खेले इनके साथ? नहीं भाई, मुझे रिस्क नहीं लेना है। पहले दो दफा मुझे डॉग्स ने काटा है, और पहले भी दो दफा मुझे डॉग्स ने काटा है, एक दफा हाथ पे और एक पैर पे। अब मैं मजीद जो है वो इनसे कटवाना नहीं चाहता। ये देखें, ये कितने बच्चे हैं डॉक्टर साहब इसके? पांच ना? पांच। ये आपका फेवरेट है ना, ये सबका ही फेवरेट बना हुआ है भाई। ये एक अकेला अंग्रेज पैदा हुआ है, बाकी सारे अफ्रीकन हैं, तो ये समझ से बाहर है। यार ये मुझे ना कोई रिस्की लग रहा है आज, ये जो है ना एग्रेसिव। अरे वाह वाह डॉक्टर साहब, आपके साथ तो फुल शर्ट है। नहीं देखे बच्चा, देखे मेरे पैर में भी आ रहा है। क्या ख्याल है डॉक्टर साहब, मैं उठाऊं? सर उठा जबरदस्त यार। क्या हुआ, वो लड़ रहे हैं? इतने छोटे हुए लड़ाई कर रही है। ये देखिए बहन भाई, अच्छा कितने मेल है कितने फीमेल है कुछ पता है? सर इनमें से तीन मेल है दो फीमेल है। तीन मेल है और दो फीमेल है। ये जो व्हाइट वाला है ये कौन, क्या है? ये मेल है, ये मेल है। अरे कितना प्यारा, कितना क्यूट है यार, इसका फेस देखो यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बाकी सारे आके मेरे पैरों पे, ये देखें बाकी सारे आके जो है ये मेरे पैरों पे लग गए। और ये देखें, ये इनकी अम्मा है, और ये सारे के सारे जो है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा और दूसरी बात सर मैं आपको बता दूं, अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है। हां हां, जिन जिनके घर में पेट्स है तो हाँ। मैं आपको बराए मेहरबानी बोलता हूँ कुत्तों का खास ख्याल रखिए, क्योंकि ये सीजन है टिक्स का। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे वालों को भी लग जाते हैं भाई, हम इतना करते हैं इसके बावजूद भी टिक्स बार बार आ जाते हैं। हम नहलाते भी हैं इनको, टिक्स की जो दवाइयाँ होती हैं वो भी देते हैं, इसके बावजूद भी आ जाते हैं, तो टिक्स तो बड़े ही कॉमन है। अरे वाह वाह वाह, ये देखें यार, ये माशाल्लाह बड़े ही क्यूट है। तो भाई ये है हमारी लैब्राडोर की फीमेल, इसका नाम है ब्लैकी, और इसने दिए पाँच बच्चे, तो इन पाँच बच्चों के भी नाम जो है अभी हमें रखने हैं। ये देखें कितने क्यूट क्यूट हैं, ये देखें। इनके फादर से भी मिलवाएंगे, पूरी फैमिली से मिलवाएंगे, पहले बच्चों को तो देख लें। ये देखें, इसको मेरे मोबाइल में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा है। ये देखें, चलिए जी, तो इसको स्प्रे करके अभी वॉश होगा, जब तक चलते हैं इसके फादर को भी आपको दिखाता हूँ, इन बच्चों का जो फादर है। इनके नाम भी रखने हैं, वो आप सजेस्ट करेंगे तो हम इनके नाम भी रख देंगे। जैसे जेबरा का नाम, डॉक्टर साहब हमने जेबू रख दिया, जेबरा के बच्चे, जेबू रख दिया जेबरा के बच्चे का नाम। इनके नाम रह गए तो पांच बच्चे हैं भाइयों, पांच लैबोरेटर के नाम जल्दी से सोचें, व्हाइट वाले का कोई नहीं होना चाहिए। हफ्ते के बाद इनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन होगी तो इनके कार्ड के ऊपर लिखेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको बता दिया जाएगा, टेंशन ना ले डॉक्टर साहब, मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा। तो अभी ब्लैकी बेटा हम जा रहे हैं, ठीक है, ओके हम जा रहे हैं, तुम नहा आओ, हम अभी दूसरे डॉग्स के पप्स भी हमें चेक करने हैं। इसको अभी अंदर रहते हैं, थोड़ी देर में इनको नहलाया जाएगा और ये अपने बच्चों को फीड वीड कराएगी। अब बारी है भाई, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है इसलिए आज मैंने कैप पहन ली है, और 10 मिनट के अंदर जो है भाई खुलिया जो है वो बिगड़ जाता है बिल्कुल। तो अभी ये वाले कहना चाहेंगे, ये हमारी गोल्डन रिट्रीवर है, गोल्डन रिट्रीवर की फीमेल है और उसका नाम गोल्डी है। तो डॉक्टर साहब इसके साथ भी ज़रा दोस्ती कराते हैं यार, आज मैं पहली दफ़ा डॉग्स की केजेस के अंदर जा रहा हूँ, वरना मैं बाहर ही आता हूँ क्योंकि डॉग्स मेरे पर हमला करते हैं, दो दफ़ा मुझे डॉग्स ने काटा भी है। तो क्या ख्याल है, इसका मूड ठीक है? इसके भी बच्चे बहुत प्यारे हुए हैं यार, इसने भी बच्चे दिए हैं माशाल्लाह, उसके बच्चे को देखें, आवाज़ भी लगा रहे हैं। जब सेट हो जाए डॉक्टर साहब आवाज़ लगा दीजिएगा, मैं आ जाऊँ, आ जाऊँ, पक्की बात है। चले जी, तो इसके अंदर भी चलते हैं। गोल्डी गोल्डी, हाँ भाई, अरे वाह 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 यार, ये तो बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा ये इसके बच्चे हैं भाई, यार इसके बच्चे तो बड़े प्यारे हैं यार, इतना प्यारा है यार, कितना जबरदस्त है यार ये माशाल्लाह। गोल्डी तुम्हारे बच्चे हैं ये?
भाई इसके कितने बच्चे हैं? सर इसके भी 5 बच्चे। 5 बच्चे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें भाई, माशाल्लाह 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 भाई, ये देखें बहुत ही एक्टिव बच्चे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? ये बोला मुझे भी उठाओ डॉक्टर साहब, कह रहा मुझे भी उठाओ। ये फीमेल है इसलिए चिल्ला रही है, ये फीमेल इसलिए चिल्ला रही है। तो इसके कितने में लड़े फौरन आ गई भाई, तुम्हारे बच्चों को कुछ भी नहीं कर रहा। 4 मेल है एक ही फीमेल, 4 मेल और एक फीमेल भाई, 4 मेल पैदा हुए हैं और एक फीमेल है, तो इसके अंदर फीमेल का रेशो बहुत ही कम आया है। गोल्डी डॉक्टर साहब आपसे ये जो ना आप बच्चे को उठा रहे हैं और ये परेशान हो रही है, मेरे ख्याल से परेशान हो रही है, ऐसी चेक करने आ रही है। मुझे भी प्यार करो। अच्छा भाई सर ये बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, लग जाते हैं कि दूध पीना होता है इनको, ये देखें फौरन दूध पीने लग जाते हैं, ये देखें। आ जाओ, अपना फैन चलाया हुआ है, फ्लोर लगाया हुआ है बिल्कुल। ये माशाल्लाह बेबीज हैं यार, बहुत प्यारे। ये देखो भाई ये इसके बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बिस्किटी कलर के, और इसके अंदर से 2 वाइट हैं और बाकी ये 2 प्योर फ्रॉन है और एक हल्का सा कह सकते हैं व्हाइट और ब्राउन टाइप का है। इनके भी नाम रख लें, तो इसके अंदर 4 मेल है 1 फीमेल है, मैंने आपको जेंडर्स बता दिए, उस हिसाब से आप नाम सजेस्ट करें कमेंट के अंदर, जो अच्छा नाम लगेगा हम वो इनके नाम रखेंगे। अभी इतने सारे एनिमल्स हो गए ना कि हमें खुद भी याद नहीं रहता है। दुम्बो के नाम रखे हैं, बकरियों के नाम रखे हैं, स्नेक्स के नाम रखे हैं, जेबरा का बच्चा पैदा है उसके नाम रखे हैं, और हिरन के तो हम नाम रख ही नहीं सकते क्योंकि वो इतने सारे हैं, तो उनको तो बस हम रैंडमली याद करते हैं। तो ये भी सारे बच्चे हैं और इनको अभी छोड़ते हैं। इसकी मदर जो है माशाल्लाह बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, और मैं पहली दफा आया हूँ इस केज के अंदर, इसके काम कुंडी लगा दी। अब बंदा यहाँ पे मेरे को अगर जर्मन शेफर्ड के पिंजरे के अंदर होता हूँ, मुझे पकड़ के बैठा होता, तुम कुंडी खोलते रह जाते हो, मेरा काम हो जाता। जर्मन शेफर्ड बहुत वो है, क्या है, एग्रेसिव है, तो यही तो बोल रहा हूँ ना। अभी तो मेरा प्लान उसके केज के अंदर भी जाने का था भाई, क्या जर्मन शेफर्ड के केज के अंदर भी जाऊंगा, क्या ख्याल है? एक ही एग्रेसिव है जिसने बाइट किया हुआ इसको, वो भी जर्मन शेफर्ड। तुम्हें भी काटा है ना शुएब, किसने काटा था? बॉन्जोन है ना ये भाई, ये तो एक बार मेरे पीछे भागा था, इतना भागा हूँ यकीन मानो, मैं ग्राउंड के अंदर कूदा हूँ फिर ये मेरे इसने पीछा छोड़ा है। नहीं 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 डॉक्टर साहब नहीं भाई, बस हवा निकल गई, मेहरबानी आपकी। ये वाला ये हमारे पास ही पैदा हुआ था ये, और ये बड़ा हो गया, फीमेल है ये भी, तो ये बहुत जो भाई ये बहुत खतरनाक है, इससे बचना, ये बहुत एग्रेसिव डॉग है हमारा। तो आ जाए मैं आपको दिखाता हूँ इनके लिए, देखें ये इतना बड़ा एरिया है जिसके अंदर जो है ये घूमते फिरते हैं, और इधर हमने बाउंड्री कर दी है जी। ये इनका फादर है। अच्छा ये फादर है, नहीं नहीं डॉक्टर साहब बाहर नहीं निकालिएगा, अब्बा है अभी बच्चों से मिल, ये भाई ये उन बच्चों का अब्बा है, ये देखिए अभी 5 बच्चे होंगे जिसमें एक वाइट हुआ है, तो ये उसका फादर है, और भाई आपको मुबारक हो आपके 5 बच्चे हुए। और ये सारा हमारा डॉग्स का एरिया है, और ये देखें ये कच्चे थोड़ा सा कच्चे का एरिया भी दिया हुआ है, इसके अंदर भी डॉग घूमते फिरते हैं ताकि उनको मिट्टी भी मिल जाए। ये हमने बॉर्डर कर दिया ताकि डॉग जो है वो बाहर ना आए, और दूसरे यहाँ पे जब घोड़े वगैरह घूमते तो उनको डिस्टर्ब ना करें। तो भाई अगर आपने कोई एनिमल रखा है तो उसको प्रॉपर तरीके से रखें, वरना ना रखें। तो डॉग्स का आप लोग मुझसे पूछते थे, ये डॉग्स वाला एरिया, ये देखें ये हमारे डॉग्स का स्विमिंग पूल है, इसके अंदर जो डॉग्स है ना वो स्विमिंग भी करते हैं, तो उनको शाम के टाइम पे हम यहाँ पे छोड़ते हैं ताकि वो स्विमिंग कर लें। गोल्डन रिट्रीवर के मेल को हमने निकाला है और ये अभी घूम रहा है, और इसका नाम गोल्ड बार रखा हुआ है, इसकी बीवी का नाम जो है हमने गोल्डी रखा हुआ है इसकी फीमेल का, और इसका नाम गोल्ड बार रखा हुआ है, तो ये गोल्ड बार आ गया है। बाकी सारे डॉग चिल्ला रहे हैं कि भाई हमें क्यों नहीं निकाला है। भाई गोल्ड बार जो है वो स्विमिंग कर रहा है, और ये हमारे डॉग का स्विमिंग पूल है, ये देखें गोल्ड बार जो है इसने डुबकी मारी अभी अभी, ये देखें भाई स्विमिंग करके ये बाहर आया है, ये पानी उड़ा रहा है पूरा भाई, अभी डुबकी लगा के बाहर आया है, ये देखें उनका स्विमिंग पूल जिसके अंदर ये नहाते हैं, और अगर इन्हें बांधना हो तो यहाँ पर आप बांध भी सकते हैं, तो पूरा इनका इंतजाम किया हुआ है, और अभी ये घूम रहा है और अपने दोस्तों को जला रहा है कि देखो आज सबसे पहले मैं आया हूँ। वैसे दोस्तों ये सारे एक साथ नहाते हैं और ज़्यादातर शाम के टाइम में नहाते हैं, अभी एक साथ इसको इसलिए नहीं खोल सकते कि ये मुझ पर अटैक ना करें। भाई इसके बच्चे जो है वो फीड कर रहे हैं, और जैसे हम बाहर निकले इसके फीडिंग का टाइम था, ये अब अपने बच्चों को जो है वो फीड करा रही है माशाल्लाह। ये हमारा डॉग्स का एरिया, और आ जाए जी आपको एक और नई अपडेट देते हैं हमारे जू के अंदर। मैंने आपको बताया था हमारे जू के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही, तो कोने वाला जो एरिया है वो बिल्कुल बन रहा था, अभी वहाँ पे चलते हैं, उससे पहले ज़रा हमारे फीफी पे नज़र डालें, हमारे क्रोकोडाइल पे जो कि अभी आराम कर रहा है,
और वैसे ही अपने तालाब के अंदर होता है, अभी बाहर आके आराम कर रहा है। तो चलते हैं भाई जू का ये वाला हिस्सा जो अभी जस्ट नया नया डेवलप्ड हुआ है, सामने घोड़ों का एरिया, उस तरफ नया नया बख्श भाई ने जो है वो बकरों के लिए एरिया बनाया, तो वहाँ चलते हैं। पहले को क्यों उठा के ला रहे हो भाई? उधर वो वाले में बाकी सारे बकरे कर दिए, सिर्फ ये वाला रह गया था। चलो चलो लेके चलो, आ जाओ। ये हमारा एरिया बन चुका है और आप ये देखें, आपको याद होगा इधर हम आते थे काउस देखने के लिए, अपने हमारी गायों को देखने के लिए, तो ये पूरा एरिया इनका सेपरेट कर दिया गया है, ग्रिल्स लगा दी गई है, इनके चारा वगैरह रखने के लिए सारा सिस्टम बना दिया गया। आ जाएं अंदर विजिट करते हैं। ये देखें ये गाय यहाँ से चारा वारा खाती है, पूरी जगह बना दी है, ये पूरा एरिया अब हमारी गायों का है। तो माशाल्लाह जी हमारे पास बहुत सारी काउस हैं, अगर आप डेली हमारा व्लॉग देखते हैं तो आपको पता ही होगा। और इनको देखें अभी फ़िलहाल यहाँ पर बांधा हुआ है, और ये वाला बच्चा तो आपको याद ही होगा, ये हमारे पास पैदा हुआ था, जो मुझे टक्कर मारता था, टक्कर सिंह हमारा। तो अब ये आराम से यहाँ पे घूम फिर सकता है, और माशाल्लाह ये देखें बाकी सारे काउस जो है वो यहाँ पर आराम कर रहे हैं छाँव में, फिर बाद में इनको यहाँ पर खोल दिया जाता है, वो यहाँ पर आके अपना चारा वारा खा सकते हैं। तो पूरा एरिया ये इनका बन गया है। अब दूसरा एरिया जो हमने बनाया है, जो कॉर्नर वाली साइड थी, वहाँ पर चलते हैं। देखें भाई तो अभी थोड़ा सा कचरा वगैरह पड़ा है, ये सब कुछ हट जाएगा माशाल्लाह। बख्श भाई तो बहुत अच्छा बना लिया आपने यार, ये माशाल्लाह जबरदस्त हो गया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आप भी इधर ही रहो, आपका भी ये दिल कर रहा है। देखे ना ये माहौल, खोलना खोलना यार खोलना, क्यों भाग जाती है क्या? नहीं ये देखें जी, तो ये माशाल्लाह देखें बकरियों के लिए एरिया बन गया पूरा, और ये आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। ये देखें किस तरीके से यहाँ से इनका खाना पीना हो सकता है आराम से, और ये आपस में खेलते कूदते रहते हैं, ये दरख्त के ऊपर भी जंपे मारेंगे। मतलब ये अच्छा खासा एरिया जो है हमारी बकरियों का जो है ये बन गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एरिया बन गया है भाई। तो बहुत अच्छा एक काम हो गया, क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? सर बेहतरीन काम हो गया, देखिए दरख्त भी है यहाँ पे, छाँव भी है इनको, और बहुत नेचुरल एनवायरनमेंट मिला हुआ है, ज़बरदस्त भाई। तो हमारी बकरियों का भी नया घर बन गया है, और ये पुराने पिंजरों का हमने इस्तेमाल किया था, जो आपको पता ही है हम जो है वो कबाड़ वाला जो सामान है उसको पहले इस्तेमाल करते हैं, क्या ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। ये घोड़ों के हमारे जो बनाए थे, इधर घोड़े भी माशाल्लाह सेट है। अब रह गए ये वाले दो बड़े पिंजरे, इनको बख्श भाई इन दो बड़े पिंजरों का क्या करेंगे यार? अभी तो मैं इनको जो है यहाँ सेट पे लगवा रहा हूँ, उसके बाद जो है इनके थोड़ी सी मरम्मत होनी है, इनको मरम्मत करा के इसके अंदर ना कोई नई चीज़ ऐसी लेके आएंगे यूनिक। यार मैं तो बोल रहा हूँ कोई फैंसी मुर्गियाँ वर्गियाँ पालते हैं, उनका शौक करते हैं, क्या ख्याल है बख्श भाई? आपने तो मेरे मुँह की बात छीन ली भाई, मैं भी यही डॉक्टर साहब से पूछे, यही कह रहे थे बख्श भाई भी, यही बोल रहा था। तो भाई फैंसी हैंड्स पे डन करें, और आप हमें कमेंट में बताएं कौन सी फैंसी हैंस आनी चाहिए, वो हम यहाँ पे पालते हैं और उसका शौक करते हैं। इनक्यूबेटर भी हमारे पास, उनके अंडे लेंगे, उनके चूजे भी निकालेंगे। ये देखें घोड़े हमारे सारे जो है वो आराम कर रहे हैं अभी अंदर, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, तो घोड़ों को अभी ज़्यादा बाहर नहीं निकाल सकते। ये देखें घोड़े हमारे, आ जा, बड़े दिन हो गए बेटा आपको, मैंने प्यार नहीं किया था, आप आती नहीं थी, आज आप आइयो शहजादी। तो ये माशाल्लाह हमारे घोड़े, और ये हमारा शेरदिल नाम है इसका, तो वैसे ये यहाँ पर वॉक करते रहते हैं, लेकिन अभी गर्मी की वजह से हम नहीं निकाल रहे। तो आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह ये दो बड़े पिंजरे भी आपको सेट हुए हुए नज़र आएंगे, इसके अंदर हम फैंसी चूज़े या फैंसी मुर्गियाँ वगैरह पाल रहे होंगे। तो आपको पता है हमारा बहुत बड़ा ज़ू है अल्हम्दुलिल्लाह, 1000 से ज़्यादा हमारे पास जानवर है, हिरन है, ज़ेबरा है, शेर है, टाइगर है, मोर है हमारे पास, बंदर है वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पूरा दिन उसी के साथ निकल जाता है, एक व्लॉग के अंदर तो मैं सारी चीज़ें भी कवर नहीं कर सकता। तो डेली व्लॉग अपलोड होता है हमारा, डेली उसे देखें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, ताकि आप हमें सपोर्ट कर सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।